अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलूँगा क्योंकि टाइम जो है ना वो ज़्यादा हो गया है। और एक्चुअली मतलब वीडियो बनाने का कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन फिर टाइम मिला तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट देता हूँ। वैसे मैं काम पे निकला हूँ, कल तो फ्राइडे छुट्टी थी मेरी, घर पे ही था मैं, तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया और आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आप लोगों को पूरे दिन का शेड्यूल बताने वाला हूँ प्राइम में और अपना कैसा काम ये सब चल रहा है। एक्चुअली क्या है, आज मेरे को सर्विस सेंटर जाना था, गाड़ी की सर्विस करानी थी। फर्स्ट सर्विस है जो 1500 किलोमीटर मैंने अभी तक गाड़ी चला दी है, उसके लिए सर्विस का टाइम आ गया था, तो मैंने सोचा सर्विस कराता हूँ। बट सर्विस कराने गया तो वहाँ 2 घंटे ख़राब करने के बाद बोले आज अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, आज नहीं होएगा। मैं बोला यार ये क्या पागलबंदी है, 2 घंटा रुकाया मेरे को, बाद में बोलते कि आज नहीं होएगा। मैं बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी मंडे का अपॉइंटमेंट दिया है और मंडे को कराएंगे गाड़ी की सर्विस, फर्स्ट सर्विस। तो गाइस पहली बुकिंग जो मैंने लिया वो लगभग 7:30 बजे लिया, 7:30 बजे, 7:15 बजे, 7:15 पर घर से निकला खारगढ़। जैसे मैंने पहुंचा, कस्टमर एक बुकिंग आई मेरे को गिरगांव की बुकिंग आई, कस्टमर को पिकअप किया ओला प्राइम, क्योंकि उबर में तो मिनी है, प्राइम नहीं है, ओला प्राइम। कस्टमर को पिकअप किया, गिरगांव ड्रॉप किया 44 किलोमीटर, और पैसा दिया 580 रुपया। सोचो आप, वैसे ठीक है मिनी में 480 रुपया देता था, 450 480 रुपया देता था, 100 रुपया ज़्यादा दिया प्राइम गाड़ी में, तो ये मेरे को थोड़ा ठीक लगा, मतलब ज़्यादा ठीक नहीं लेकिन थोड़ा ठीक है। 650 या 700 रुपया मिलना चाहिए था अपने को, लेकिन ठीक है क्योंकि बुकिंग सैटरडे को मॉर्निंग में कम रहती है। फिर वहाँ से इमीडिएटली 5 मिनट रुकने के बाद फिर वापस से और एक बुकिंग लगी मेरे को टर्मिनल 1 एयरपोर्ट, तो मैंने वो 20 किलोमीटर कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद उसमें मेरे को मिला है 348 रुपये 20 किलोमीटर का, ये अच्छा दिया है। नहीं तो 20 किलोमीटर का 250 रुपया अपने को ओला मिनी में देता था, तो ये प्राइम में और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। फिर मैं वहाँ से मैंने CNG हो गई थी मेरी एंड, क्योंकि CNG मैंने नहीं भराया हुआ था। CNG भराने गया सांता क्रूज विले पार्ले वेस्ट, सांता क्रूज से ऐसा फ्लाई ओवर से घुमा के विले पार्ले वेस्ट, वहाँ पर मैंने CNG रिफिल कराया। शोरूम पर गया, उनको बोला सर्विस करानी है, वो बोला वहाँ चले जाओ। मैं चूनाभट्टी गया, चूनाभट्टी हुंडई सर्विस सेंटर गया। सर्विस सेंटर में जाने के बाद 2 घंटा रुका है, पहले बोले उन लोग ने वैसे कि आपको जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, देख लो आप लोग, मैं आ गया हूँ अभी, हो सकता है काम हो जाए। तो फिर उन लोग ने बिठाया कि ठीक है थोड़ा टाइम रुको आप, और हम लोग बताते हैं कि स्लॉट कोई खाली है तो आपको मिल जाएगा। बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 1-2 घंटा मेरा ख़राब हो गया। तो ऐसे में अभी जो है ना लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, 12 बजे का, और मैं अभी बांद्रा वेस्ट में हूँ। फिर वहाँ से एक बुकिंग लगी मेरे को छोटी, मिनी में लगी जो उबर में, क्योंकि वहाँ पे मेरे को लग पता था कि प्राइम शायद नहीं आएगी, तो क्योंकि MIDC और थोड़ा सा वैसा है वो टाइम मेरे को नहीं लग रहा था वहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ से एक मिनी बांद्रा वेस्ट में लेके आया हूँ और यहाँ पे कस्टमर को ड्रॉप किया, इसमें 142 मिला 8 किलोमीटर का, और अभी वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मिनी किया हुआ है बंद और प्राइम सेडान चालू है ओला में। देखते हैं यहाँ से किधर की बुकिंग आएगी, आपको देंगे अपडेट। और वीडियो में बने रहना एंड तक, वीडियो को देखना लास्ट तक। और अर्निंग भी थोड़ी ठीक ही हो गई है, कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है, अगर 2 घंटे ख़राब नहीं होती तो और 500 रुपये प्लस हो जाता था इसमें, लेकिन ठीक है जो भी है। चलिए मिलता हूँ थोड़े समय के बाद, यहाँ से बुकिंग लेने के बाद किधर ड्रॉप करेंगे बताएंगे आपको, दिन भर का शेड्यूल बताएंगे और डिफरेंस पूरा बताते जाएंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखना एंड तक, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली वीडियो फटाफट आप लोगों को मिलती रहे। चलिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका अभी खारगर जस्ट अभी 10 मिनट पहले मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया है और मिनी और सब बंद किया है, प्राइम चालू है सिर्फ, क्योंकि मैं अभी मिनी में लेके आया हूँ उबर में। खारगर माटुंगा से 37 किलोमीटर का 476 दिया है उबर ने, 476। तो ऐसा अर्निंग भी अपना थोड़ा ठीक ठाक हो गया है। और टाइम जो रहा गाइज वो हो रहा है 3:30 बस, 3:30 बज चुके हैं और वेट कर रहा हूँ कोई अच्छी सी बुकिंग आ जाएगी तो फटाफट लेके निकल जाएंगे। किधर की आएगी वो सब आपको वीडियो में बताने वाले हैं और पूरी डिटेल के साथ बताएंगे आपको। और एक बुकिंग आई थी एक्चुअली मेरे को गो में, कांदीवली वेस्ट 54 किलोमीटर, 709 दिखा रहा था, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे मिनी नहीं चाहिए अभी। यहाँ से सोच रहा हूँ बॉम्बे किधर भी अपने को प्राइम मिल जाएगी ओला में, तो यहाँ से निकल जाएगा और बताएंगे कितना मिलेगा। वीडियो में बने रहना एंड तक, वीडियो को पूरी देखना, स्किप जरा भी मत करना।
सो दोस्तों, मैं ना अभी वाशी पहुंचा हूं। जस्ट मैंने कस्टमर को वाशी में ड्रॉप किया है और यहां जो लेके आया हूं मैं एयरपोर्ट से लेके आया हूं। एयरपोर्ट से मैं पहले आप लोगों को बताता हूं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया खारघर से मेरे को बुकिंग लगी प्राइम ओला में 38 किलोमीटर, टर्मिनल वन एक डेढ़ घंटा लगा, बट कितना दिया 701 प्राइम में, नो सर्च कुछ नहीं, अच्छा पैसा दिया। देखो मिनी में और प्राइम में कितना ज़्यादा फ़र्क है, ये गाड़ी गाड़ी का फ़र्क होता है गाइस। और उबर अभी गाड़ी गाड़ी बुकिंग दे रहा है कल्याण, मुझे जाना नहीं है। तो गाइस देखो मिनी में और प्राइम के रेट में कितना अंतर है, नहीं तो अपने को 38 किलोमीटर का ज़्यादा से ज़्यादा 450 रुपया उबर या ओला अपने को देता है, 450 रुपया अपना वहाँ को अपने को देता है, बट प्राइम में अच्छा पैसा मिल रहा है। लेकिन मॉर्निंग में बहुत गंदा पैसा दिया था, ठीक है जो भी दिया था ठीक दिया था, मिनी से तो बेस्ट है। और गाड़ी एवरेज एकदम फटे दे रही है, 30 का एवरेज दे रही है। और फिर एयरपोर्ट जैसे मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया, तुरंत मेरे को एक बुकिंग आई। पहले आई मलाड ईस्ट 1.96 में, वो नहीं लिया मैंने। फिर मेरे को सादे में बुकिंग आई वाशी में, मेरे को 25 किलोमीटर का 520 रुपये दिया है, 520। तो मैंने अभी यहाँ पर ड्रॉप किया है और यहाँ से गो टू होम घर की तरफ का लगाया। टाइम लगभग 7 बजने वाले, 10 मिनट कम है, 7 बजने में 10 मिनट कम है, और आधे घंटे के बाद अपने को 12 घंटे हो जाएगा ड्यूटी पे निकल के। और लास्ट में अर्निंग और सब आपको बताएंगे, पूरा शेड्यूल आपको समझा देंगे, और फिर आप लोग देखना कि मिनी बेस्ट है या प्राइम गाड़ी बेस्ट है, मतलब सेडान। तो चलिए मिलता हूँ थोड़े समय के बाद, यहाँ से गो टू होम लेंगे, किधर की बुकिंग आएगी बताएंगे आपको सब कुछ। चैनल को कर लेना प्लीज़ सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है, और वीडियो को कर देना लाइक और कमेंट। सो गाइस मैं पहुंच गया था घर पे, और घर पे पहुंचा हूं मैं 8 बजे घर पे पहुंच गया। वाशी से मेरे को बुकिंग लगी सीवुड से बुकिंग लगी तुरंत खारघर कस्टमर को ड्रॉप करके मैं आ गया सीधा घर पे 8 बजे। और आज की अर्निंग एकदम मस्त, मतलब कैसा है गाइस, ऐसा लगा है कि वैगनार और सेडान, मतलब मिनी और सेडान गाड़ी में बहुत फ़र्क है। मतलब ऐसा लगा है मेरे को कि सेडान गाड़ी में काम करना ईजी है, फटाफट बुकिंग मतलब लगेगी तो एकदम फटाफट काम हो जाएगा, और बहुत अच्छी अर्निंग भी इसमें डेली अपनी हो सकती है, जैसे कि हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है, आप लोगों को बताने वाला हूँ सब कुछ पूरा, कितना अपने को मिल रहा है कितना क्या, तो वो सब आप लोगों को बताने वाला हूँ। आगे के आने वाली वीडियो मत देखना, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी अर्निंग होगी और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। फ़ोन आने की वजह से वीडियो भी दी पाउस। तो चलिए गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग प्लीज़ बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। और हाँ अर्निंग तो बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अर्निंग हो गई आज 3600 सिर्फ 12 घंटे में। 7:30 बजे निकला था, 8 बजे घर पे पहुंच गया हूँ मैं, और अपनी अर्निंग हुई 3600, 3600 रुपये की अर्निंग हुई, बहुत ईजी हो गई। और दो घंटे ऑफलाइन होने के बाद इतनी अर्निंग हुई है, नहीं तो अपनी अर्निंग 4000 के ऊपर, और बहुत इजी, किधर भी ज़्यादा मरने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा भागा भी नहीं, ज़्यादा इधर उधर कुछ भी नहीं, मेहनत भी नहीं ज़्यादा थका भी नहीं, फिर भी अपनी अर्निंग 3600 हो गई है। अब कल देखेंगे, कल संडे, कल वापस से मेरी गाड़ी की सर्विस कराने जाना है, जो कि आज नहीं हुई थी, कल सर्विस भी कराना है, और कल संडे भी है, रोड भी खाली है, तो देखेंगे कल कितना अर्निंग होगी, बताएंगे आपको सब कुछ। वीडियो को कल की भी वीडियो देखना मत भूलना। चलिए गाइज मिलता हूँ अभी थोड़े समय के बाद, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिल जाए।